Hey guys, welcome back. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे डॉल कलेक्शन के बारे में। सो गाइज, इस वीडियो में हम नॉन ब्रांड डॉल्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मैं सिर्फ बारबी डॉल्स के बारे में ही बात करूंगी इस वीडियो में, एंड जो बाकी डॉल्स हैं मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी लाइक पार्ट 2 या पार्ट 3 में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बारबीज के साथ। ये सारी की सारी बारबीज है जिन्होंने इनके कपड़े सेम नहीं है, मैंने इनको दूसरे कपड़े पहनाए हुए हैं, बट ये सारी की सारी बारबीज हैं। तो चलिए हम एक एक करके अब इनको देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेड टू मूव बारबी के साथ। सो ये है वो फर्स्ट बारबी डॉल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एंड ये आर्टिकुलेटेड है क्योंकि ये मेड टू मूव बारबी है। देखिए इसके हैंड्स, जैसे मैं बताइए कि इसमें आर्टिकुलेशन के आई थिंक 21 पॉइंट्स होते हैं। सो ये है हमारी मेड टू मूव बारबी। सो गाइज, अब हम जिस मेड टू मूव बारबी के बारे में बात करने वाले हैं वो मुझे आपको सबसे पहले दिखानी चाहिए थी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट मेड टू मूव बारबी है, एंड ये मेरी सबसे फेवरेट रही है सारी मेड टू मूव बारबीज में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूनिक लगती है, सबसे डिफरेंट लगती है। इसका फेस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अलग है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी बॉडी सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बाकी जो बारबीज होती हैं देखो कितनी पतली सी होती हैं, बहुत इनकी स्टिक बॉडी होती है, बट ये वाली जो बारबी होती है कर्वी होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली बारबीज। सो ये कर्वी बारबी मेरी फेवरेट हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरी बाकी वीडियोस में। एंड ये बारबी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने ऑफलाइन ली थी, एंड ये मेरी फर्स्ट मेड टू मूव बारबी है। सो इसके बाद हम बात करेंगे, ये मेरी सेकंड डॉल थी जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाई है, ये मेरी सेकंड डॉल थी, ये मैंने ऑनलाइन ली थी फ्लिपकार्ट से, एंड ये सेकंड है। इसके बाद जो मैं आपको मेड टू मूव बारबी दिखाने वाली हूँ वो एक नॉर्मल बारबी है, मेड टू मूव है बट स्लिम बारबी है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसका फेस बहुत इनोसेंट सा है, एंड इस बारबी ने भी साड़ी पहनी हुई है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। साड़ी मैंने खुद बनाई थी, इसके एक्चुअली मैंने कपड़ा लिया था एंड साइड में ये बॉर्डर मैंने स्टिच कर लिया था, एंड इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है ये वाली साड़ी, प्रॉपरली मैंने कट किया हुआ है एंड इसने साड़ी पहनी हुई है। सो ये है हमारी थर्ड मेड टू मूव बारबी, एंड इस बारबी को मैंने ऑनलाइन लिया था एंड अगेन फ्लिपकार्ट से लिया था। सो ये है हमारी सेकेंड डॉल, थर्ड डॉल। अब हम बात करने वाले हैं हमारी फोर्थ डॉल के बारे में जो कि मेड टू मूव बारबी है। अगेन इस डॉल को आपने ऑनलाइन नहीं देखा होगा या ऑफलाइन नहीं देखा होगा, एक्चुअली मैंने इनका हेड स्वैप किया था, इस डॉल का किया था। सो इस डॉल को आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा इसका हेयर कट कर लिया था, इसका आपको कलर भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, सो इसलिए मैंने इसको हेयर कट दिया था कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश सी लगे, थोड़ा मेरे को ऐसी वीडियोस भी बनानी थी जिसमें एक प्राउडी सी गर्ल होती है। तो ये है हमारी फोर्थ डॉल जिसका फ्रॉक मैंने बनाया था, सो ये कुछ ऐसा है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डॉल के बारे में। तो गाइज, ये है हमारी नेक्स्ट मेड टू मूव बारबी। आई नो ये कपड़े इसके साथ नहीं आए थे, ये मैंने दूसरी डॉल के इसको पहनाए हुए हैं, एंड इसका फेस भी अगर आप देखेंगे तो ये मैंने हेड स्वैप किया हुआ है इस डॉल का भी, तो मैं इसको आपको डिटेल में दिखाती हूँ। इसका मैंने हेड स्वैप किया था एक मेड टू मूव बारबी के साथ, ये एक रेगुलर बारबी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए था डॉल्स में, क्योंकि मेड टू मूव में आती हैं सिर्फ 4 डॉल्स, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका हेड स्वैप किया जाए। मैंने हेड स्वैप की वीडियोस देखी हुई थी तो मेरे को थोड़ा इजी सा लगा, मैंने इसकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हुई है कि मैंने कैसे हेड स्वैप किया है, मैंने शॉर्ट्स बनाई थी। सो मैंने इनका हेड स्वैप किया एंड ये बन गई एक न्यू मेड टू मूव बारबी जिसने पहनी है मेड टू मूव बारबी की पैंट्स एंड टॉप। सो अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डॉल के बारे में। गाइस, नेक्स्ट हमारी मेड टू मूव बारबी है जो मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं की हुई थी, मैंने अभी इसे खोला है आपके लिए, तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये एक नॉर्मल मेड टू मूव कर्वी बारबी है, सो इसको अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं और मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ इसको खोलकर। सो गाइस, इसको हम कर चुके हैं आज़ाद, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसे अनबॉक्स करके। सो गाइस, ये है हमारी एक मेड टू मूव बारबी जिसके पास है ये ऑरेंज पिंकिश पैंट्स एंड ये क्यूट सा टॉप, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इनकी मुझे लगती है इनके सॉफ्ट सॉफ्ट बाल तो होते ही हैं बट काफ़ी लॉन्ग होते हैं, रेगुलर बारबीज के साथ इतने लॉन्ग बाल नहीं आते, पर
अभी मैंने इसको यू नो कट किया था तो ये रह गया, तो अभी मैं इसको कट करती हूँ। सो गाइस कैंची से तो इसके बाल कट सकते थे, तो मैं नेल कटर से इसको कट कर रही हूँ। यहाँ से कट हो चुका है और एक और यहाँ पर है कुछ। सो गाइज ये है हमारी कर्वी बारबी एंड ये हैं इसके फीचर्स। इसके साथ कोई शूज़ नहीं आते, अगर आते होते तो बहुत अच्छा होता। एंड देन ये हैं इसके लंबे लंबे बाल। एंड देन गाइज इसके साथ आता है यहाँ पे एक हेयर बैंड टाइप का रबर लगा हुआ। एंड इसका फेस भी काफ़ी डिफरेंट है बाकी बारबी से। अगर हम देखें तो एक नॉर्मल जो डॉल होती है उसका हेड कुछ नॉर्मल सा होता है, लाइक ऐसा होता है कुछ। ऐसी डॉल्स तो यू नो रेगुलर बारबी होती है, बट इसका फेस काफ़ी अलग है। अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी डिफरेंट है ये। सो ये है हमारी बारबी। देन यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो होती है मेड टू मूव की, वो होती है उसके हैंड की मूवमेंट। काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर सकती है ये, लाइक ये अपने चीक्स को भी टच कर सकती है, लाइक जो नॉर्मल बारबीज़ नहीं कर सकती। अगर किसी को यू नो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर है हमारी एक नॉर्मल सी बारबी जिसके यू नो हैंड्स मूवमेंट नहीं होते हैं, एंड ये है मेड टू मूव बारबी जिसके हैंड मूवमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। लाइक जो ये वाली बारबी है अपना हाथ ऊपर कर सकती है, नीचे कर सकती है, इधर कर सकती है, इधर कर सकती है। बट जो ये वाली बारबी है ये काफ़ी सारे एक्शंस कर सकती है, लाइक शी कैन टच हर हेयर एज वेल। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो गाइज ये सारी थी हमारी मेड टू मूव बारबी। अब मैं आपको नॉर्मल डॉल्स दिखाने वाली हूँ जो बारबी ही हैं बट थोड़ी नॉर्मल है, लाइक ये वाली डॉल। अगर आप इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, कोई बहू वाली डॉल नहीं है, ये है एक स्केटर बोर्ड वाली डॉल। क्योंकि मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट लुक दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी इसीलिए कुछ ऐसी लग रही है, बट ये स्केटर बोर्ड वाली डॉल है। मैंने आपको जो अभी रिसेंट वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसका स्केटर बोर्ड आपको दिखाया भी था जो एक्सेसरीज के साथ आई थी। सो ये है हमारी वाली डॉल। इसकी साड़ी की प्लेट्स थोड़ी पीछे गई हुई है, मैं आपको इसको डिटेल में दिखाती हूँ। सो गाइज मैं आपको सारी मेड टू मूव बारबीज दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाली डॉल। सबसे बेस्ट चीज़ है इसका यू नो फेस देखिए कितना डिफरेंट है बाकी डॉल से। एंड सेकेंडली इसके बाल सबसे ज़्यादा लंबे हैं, मेरे पास जितनी भी डॉल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लंबे बाल हैं वो इसी डॉल के हैं। देखिए कहाँ तक आ रहे हैं इसके बाल, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, इसका फेस देखिए कितना सॉफ्ट फीचर्स हैं। एंड इसको मैंने एक रेगुलर बारबी के कपड़े पहनाए हुए हैं, एंड इसका मैंने हेड स्वैप किया था एक मेड टू मूव बारबी के साथ, वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। सो ये है हमारी डॉल। ली हूँ नेक्स्ट डॉल जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई भी थी। इसका मैंने यू नो सिंपल साड़ी पहनाई हुई है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी ऐसी, एंड इसमें भी थोड़े आर्टिकुलेशन आई थिंक 12 या 14 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं जिसका इसमें इसकी एल्बो भी मूव करती है। एंड इसके इसका भी फेस थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बारबी से, जो कि मुझे सबसे सही चीज़ लगती है। ये लोग लॉन्च करते रहते हैं थोड़ा डिफरेंट फेसेस के साथ। सो ये है हमारी डॉल जिसका मैंने यहाँ पे बन बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने इसको सिल ही दिया था क्योंकि मुझसे ये रबर से बन नहीं हो रहा था एंड मुझे थोड़ा टाइट चाहिए था। सो ये है हमारी डॉल। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी नेक्स्ट बारबी जो कि है एक सिंपल सी डॉल। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता होगा कि एक मेड टू मूव बारबी के कपड़े हैं। एक्चुअली पूरी मेड टू मूव थी, मैंने इसका हेड स्वैप किया है एक नॉर्मल डॉल के साथ क्योंकि मुझे मेड टू मूव में थोड़ा सा यू नो डिफरेंट फेस चाहिए था। एंड ये है उस मेड टू मूव के कपड़े एंड ये सिंपल सी डॉल है। सबसे बुरी चीज़ मुझे जो लगी इसके बाल थे, इतने छोटे छोटे बाल इन लोगों ने दिए हुए हैं डॉल पे। सो बहुत ज़्यादा कर्ली भी थे एंड ये हेयर इसके साथ आए थे। सो ये है हमारी डॉल। अब मैं आपको जिस डॉल के बारे में बात करने वाली हूँ, ये मैंने लॉकडाउन से पहले ली थी, इसके बाल इतने ही आए थे, मैंने कट नहीं किए थे। एंड इसका फेस भी काफ़ी डिफरेंट है, साथ तो एक स्कर्ट एंड एक टॉप आया था बहुत क्यूट सा जो कि अभी मैंने इसे नहीं पहनाया हुआ। एंड ये आई थी कुछ ऐसे, एंड इसके साथ आया था एक छोटा सा चोकर
एंड इसके साथ हील्स भी आई थी ब्लैक कलर की, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। मैं जब आपको हील्स का कलेक्शन दिखाऊंगी ना, तब मैं आपको उसकी यू नो हील्स भी दिखाऊंगी। गाइस आपको कमेंट भी करना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज डॉल्स कलेक्शन की। सो गाइस प्लीज़ कॉमेंट करना कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है। सो चलिए नेक्स्ट डॉल के बारे में बात करते हैं। जो ये हेड है मेड टू मूव बार्बी कैन, बॉडी एक नॉर्मल डॉल की है, स्कर्ट मैंने बनाई थी एंड इसके साथ भी ऑब्वियसली शूज़ आते हैं क्योंकि नॉर्मल बार्बी थी एंड हेड तो मेड टू मूव का है ही। इसके भी बाल काफ़ी लंबे होते हैं। सो ये है एक सिंपल डॉल एंड देन बात करने एक अगेन नॉर्मल डॉल की जो कि नॉर्मल रेगुलर बार्बी है, इसके बाल थोड़े ख़राब से हो रखे हैं। ये ड्रेस मैंने खुद बनाया था, ये एक मेरा एक्चुअली मेरा एक टॉप था जिसको मैंने काफ़ी पुराना हो गया था तो मैंने कट करके इससे मैंने एक ड्रेस बनाया था। सो ये है हमारी रेगुलर डॉल जिसके यू नो आई थिंक दो चार ही आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं एंड बहुत ज़्यादा सिंपल होती है ये। सो गाइज अब मैं बात करने वाली हूँ एक अफ्रीकन डॉल के बारे में। ये भी मैंने लॉकडाउन से पहले ही ली थी। इसके साथ बहुत क्यूट से हुप्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये एंड इसके बाल सबसे ज़्यादा इसकी ब्यूटी इसके बाल ही हैं। यू नो देखिए कितने सुंदर हैं ये एंड इसका पूरा यू नो फेस ही कवर हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्यारी डॉल है ये एंड इसका यू नो ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये तो यू नो बहुत ज़्यादा कर्वी बार्बी है एंड दूसरी डॉल के कपड़े तो इसको बिल्कुल भी फिट नहीं आते एंड मैंने अभी तक बनाए भी नहीं इसके कपड़े। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं यू नो थोड़ा चेंज करूँगी इस डॉल को बट अभी तक मैंने किया नहीं है एंड इसके साथ भी बहुत प्यारी सी हील्स आई थी वो। सो ये है हमारी लास्ट डॉल। मैं लास्ट आपको दिखाने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ दो कैन डॉल्स हैं जो यू नो लाइक ब्रांड, अगर मैं बार्बी ब्रांड की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ दो हैं एंड ये कुछ ऐसे हैं। आई थिंक ये इन्हीं के कपड़े हैं, ये आई थिंक पैंट इसकी नहीं है बट यही दो हैं। बाकी जो हैं मेरे पास कैन ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो हैं बट वो नॉर्मली मैंने यू नो बाहर से ही खरीदे थे, वो बार्बी ब्रांड के नहीं है। एंड लास्टली गाइज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ पक्षियों के लिए थोड़ा सा पानी रखिए। आपका थोड़ा सा पानी उनकी काफ़ी प्यास बुझा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एंड आपकी ये छोटी सी हेल्प उन प्यासे पक्षियों की काफ़ी मदद कर सकती है। तो प्लीज़ अपनी छत पे थोड़ा सा पानी इन पक्षियों के लिए रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस मिट्टी के कंटेनर में ही पानी रखना है, कुछ भी आपके पास छोटा सा यू नो कुछ ढक्कन हो, छोटी सी बाल्टी हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा पानी प्लीज़ पक्षियों के लिए रखिए।